चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज यूट्यूब चैनल। आज की ताजा खबरों के साथ एक बार फिर से हाजिर हूं। डूंगरपुर जिले में पिछले दिनों नेशनल हाईवे 8 पर उपद्रवियों के द्वारा लूटपाट तोड़ फोड़ करने के बाद जिला कलेक्टर कानाराम व एसपी जय यादव को हटाए जाने के बाद नए एसपी का कालूराम रावत की ज्वाइनिंग को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से बयानबाजी को लेकर राजीव गांधी ब्रिगेड के संभागीय अध्यक्ष मनोज लबाना ने कहा कि सभी सम्मानित बड़े नेताओं से आग्रह है कि अभी समय लड़ने का नहीं है, संयम रखें और आने वाले चुनाव के बारे में सोचें। अधिकारी बदलना नहीं बदलना सरकार का काम है और कोई भी अधिकारी लगे मगर ईमानदारी से अपना कर्तव्य निर्वाह करे, सभी वर्ग को साथ लेकर चले। आसपुर से रिपोर्टर प्रवीण कुमार कोठारी की रिपोर्ट। मैं कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं से आग्रह करता हूं और नम्र निवेदन करता हूं कि जिस तरह से दो दिन से जो पार्टी में गतिविधि चल रही है वो कार्यकर्ताओं के लिए ठीक नहीं है। मैं चाह रहा हूँ पार्टी के सभी नेता एकजुट होकर नेक्स्ट चुनाव में तैयारी करें और जो एसपी को लेकर घमासान चल रहा है, खींचतान नहीं चल रही बड़े नेताओं में, वो नहीं होनी चाहिए। कार्यकर्ताओं का जो काम करेगा वो अधिकारी सरकार में काम करेगा, वही तजुर्बा दें, उसके लिए पैरवी करें। और मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस की पैरवी करने के लिए कार्यकर्ताओं का आज तक किसी ने नेताओं ने बड़े नेताओं ने आलाकमानों ने भी ध्यान नहीं दिया गाँव की ओर। चुनाव सर पर है और अगर आप भी धरातल पर काम नहीं किया तो आपको आने वाले चुनाव में गांव में घुसने की बहुत ही कठिनाई सामना करना पड़ेगा। मैं चाह रहा हूं कि हमारे सभी बड़े प्रमुख नेताओं से आग्रह करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी धरातल पर और एक जाजा पर बैठें और पार्टी को मजबूत करें। किस तरह से मेरी आपसे यही विनती है और आगे भी इस तरह से हम चाह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को एकजुटता रखें और आगे भी एकजुटता से रहे नेता, ये मेरी विनती संभागीय अध्यक्ष मनोज लबाना। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए www.wagarlive.in या प्ले स्टोर पर वागर लाइव एप्लीकेशन सर्च कीजिए। आप हमारे चैनल पर विज्ञापन प्रसारित करवा सकते हैं।